अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको पता है कि इसी करिकुलम के मुताबिक हमने एक सब्जेक्ट शुरू किया जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। करिकुलम के मुताबिक उसमें मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई थी। इसमें क्ले टेबलेट्स, पार्चमेंट्स, पेपायरस रोल्स एंड कोडिक्स। तो आज हम जो है ना, ये राइटिंग मटीरियल थे कदीम ज़माने की, इस पे नॉलेज को महफूज किया हुआ था। आज मैं इस पे रोशनी भी डाल लूँगा और आपके इलम में भी इजाफा कर लूँगा कि ये किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट होने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच आपकी कोऑपरेशन का और आपकी पेशेंस का। तो लेट्स स्टार्ट। क्ले टेबलेट्स क्या है? ये सारी थी सोर्सेज ऑफ राइटिंग मटेरियल। इसमें जो पहला सोर्स हमें कदीम ज़माने से मिला आ रहा है वो है क्ले टेबलेट्स। क्ले टेबलेट्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग मटेरियल यूज बाई एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज द सुमेरियन, बेबीलोनियन एंड असीरियन। के क्ले टेबलेट्स राइटिंग का पहला सोर्स है राइटिंग मटेरियल का, जो कि कदीम तहजीब से हमें ये जो दरियाफ्त हो गई सुमीरियन तहजीब से, बेबीलोनियन तहजीब से और असीरियन तहजीब से। दीज टेबलेट्स वर मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले, गीली मिट्टी को जो ना तख्तियों की शक्ल में बनाते थे, इन टू अ फ्लैट, तख्ती की शक्ल में बनाते थे सरफेस और उसका सतह निकालता था, जैसे हमारे जमाने में तख्तियां हुआ करती थी। एंड देन इंस्क्राइबिंग कैरेक्टर और सिंबल्स ऑन टू द सर्फेस यूजिंग अ स्टाइलस। अच्छा, इसकी सतह पर स्टाइलस से लिखाई करते थे। वंस द राइटिंग वॉज कम्प्लीट द टेबलेट्स वर ड्राइड इन द सन आर फायर्ड इन किल्न टू हार्डन द क्ले। अच्छा, जब इस पे लिखाई कर देते थे तो उसको फिर ऐसे नहीं छोड़ते थे, बल्कि इसको तंदूर की बट्टी में पकाते थे या सूरज की रोशनी में रखते थे, प्रिजर्विंग द टेक्स्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ताकि जो टेक्स्ट है इस पे जो लिखाई महफूज करे लॉन्ग टर्म के लिए। क्ले टेबलेट्स वर ड्यूरेबल एंड सुइटेबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत सुइटेबल और पायदार चीज थी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट इन एशियन मिसोपोटामिया, पुराने जमाने में जो मिसोपोटामिया तहजीब है या उस दौर से, इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के अहकाम या जो लिखाई थी इसको महफूज करते थे। अब आ जाते हैं पार्चमेंट। पार्चमेंट इज अ राइटिंग मटीरियल मेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्किन्स ऑफ एनिमल्स। पार्चमेंट जो है ना, एक चमड़े से बनाई जाने वाली लिखाई की जो है ना एक चीज थी, और किस चीज की, जानवरों की चमड़े को जो है ना उतारते थे, और टिपिकली शीप, गोट्स और काल्व्स। और सबसे जो अच्छा चमड़ा जिस पे लिखाई को महफूज करते थे वो तो या भेड़ का हुआ करता था, या बकरी का, या काल्व्स। काल्व्स कहते हैं छोटे बछड़े को, जो गाय का बच्चा हो, तो इसी को जो है ना चमड़ा इससे उतारते थे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पार्चमेंट इन्वॉल्व सूकिंग द एनिमल्स स्किन्स इन वाटर। अच्छा, इन्हीं चमड़े को उतारते थे और फिर पानी में इसको तर किया जाता था। स्क्रैपिंग ऑफ एनी फ्लेश आर हेयर, स्क्रैपिंग ऑफ का मतलब कुरचना। इसी से गोश्त के टुकड़े कुरचते थे और हेयर यानी बालों को भी कुरचते थे। एंड देन स्ट्रेचिंग एंड ड्राइंग द स्किन्स ऑन अ फ्रेम, और फिर इस स्किन्स को जो ना पकाया जाता था एक फ्रेम के अंदर। वंस ड्राई पार्टमेंट को भी कट इंटू शीट्स एंड यूज फॉर राइटिंग। इस पार्टमेंट को जो ना शीट्स की फॉर्म में काट दिया जाता था और इसको लिखाई के लिए इस्तेमाल करते थे। पार्टमेंट वॉज वैल्यूड फॉर इट्स स्मूथ सरफेस, हमवार सतह की बिना पर पार्टमेंट जो है ना क्ले टेबलेट से ज्यादा पायदार। ड्यूरेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिटेन इंक विदाउट स्मजिंग, मतलब बगैर किसी धुएं के, जैसे कि धुआं भी लग जाता था क्ले टेबलेट्स, स्मजिंग का मतलब धुआं। तो इसी को इंक के बगैर इसी पे लिखाई करते थे और इंक इस पे मतलब फैलती नहीं थी। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप फ्रॉम द रोमन पीरियड
ऑनवर्ड्स फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। यूरोप और रोमन पीरियड में इसी पार्टमेंट को इस्तेमाल किया जाता था, जिसपे कानूनी मलहूतात और मजहबी जो लिखाई थी मजहबी चीज़ों को महफूज किया करते थे। उसके बाद आते हैं पेपायरस रोल्स। पेपायरस इज अ राइटिंग मटीरियल मेड फ्रॉम पिथ ऑफ अ पेपायरस प्लांट। ये पौधों के जो है ना नसों को काटते थे। पेपायरस एक ट्री हुआ करती थी और इसकी नसों को काटते थे, तने को काटते थे, विच वॉज अबंडेंट इन एंशंट इजिप्ट। कदीम मिस्र में ये जो ना दरिया के किनारे हुआ करते थे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपायरस इन्वॉल्व स्लाइसिंग द स्टेम ऑफ द पेपायरस प्लांट इन टू थिन स्ट्रिप्स। छोटे छोटे जो ना इसे सतह बनाते थे और इन्हीं दरख्तों को तराशते थे, विच वर देन लेड आउट इन ओवरलैपिंग लेयर एंड प्रेस टूगेदर टू फॉर्म ए शीट। और इसी से शीट्स बनाए जाते, जैसे मौजूदा शीट्स है उसी तरह के शीट्स बनाते थे। द शीट्स वर देन ड्राइड एंड पॉलिश टू क्रिएट स्मूथ राइटिंग सरफेस। इसको पॉलिश किया जाता था ताकि इसकी सतह निकल आए, इस पर लिखाई पर आसान थी। पेपायरस वॉज यूज टू मेट स्क्रोल्स आर रोल्स। पेपायरस से स्क्रोल बनाए जाते थे या रोल किया करते थे, जैसे शाही फरमान को पुराने जमाने में बेचते थे। विद द शीट जॉइंट एंड टू एंड एंड वोन्ड अराउंड इन अ वुडन आर मेटल रॉड। मेटल रॉड इसके अंदर रखा जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल कुछ शादी कार्ड जो है ना ऐसे रोल किए जाते हैं। पेपायरस रोल्स वर लाइट वेट, फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मेकिंग देम आइडियल फॉर डॉक्यूमेंट्स, लेटर एंड लिटरी वर्क्स इन एंशंट इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। पुराने जमाने की जो कदीम लिखाई थी इसी पेपायरस पे इजिप्ट और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता था। द कोडेक्स, अगली जो आखिरी है वो है कोडेक्स। द कोडेक्स इज अ बुक फॉर्मेट कैरेक्टराइज बाई बाउंड पेजेस अरेंज इन अ सीक्वेंस एंड इनक्लोज विद इन अ कवर आर बाइंडिंग। कोडेक्स इससे एक और मुख्तलिफ चीज थी, ये भी जो ना एक खूबसूरत फॉर्मेट में बनाया जाता था, फिर सीक्वेंस पे अरेंज करता था और कवर चढ़ाया जाता था। अनलाइक स्क्रोल और रोल्स, स्क्रोल और रोल्स को छोड़ के विच वर मेड फ्रॉम कंटिन्यूस शीट्स ऑफ राइटिंग मटेरियल, शीट्स बनाए जाते थे। कोडेक्स कंसिस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पेजेस दैट कुड बी टर्न सिक्वेंशियली। कोडेक्स को जो ना आप पेज की तरफ पलटाया जा सकता था। द कोडेक्स फॉर्मेट गेन पॉपुलरिटी इन लेट एंटीक्विटी एंड बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर बुक इन यूरोप फ्रॉम अर्ली क्रिश्चियन पीरियड ऑनवर्ड्स। ये जो क्रिश्चियन पीरियड है इसी में इसकी जो ना बहुत नुमाया कदर मिली थी। कोडेक्स वर टिपिकली मेड फ्रॉम पार्चमेंट आर पेपर एंड वर यूज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट बुक एंड रिलीजियस टेक्स्ट। अच्छा, इसको भी किस चीज से बना जाता था, चमड़े से या पेपायरस से? और इसी पे फिर किस चीज की मलकूतात हुआ करती थी, बुक्स की और रिलीजियस टेक्स्ट की? एडॉप्शन ऑफ द कोडेक्स फॉर्मेट फैसिलिटेटेड इजियर रीडिंग। आसान से इसको पढ़ाया जा सकता था, रेफरेंसिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, स्टोरेज ऑफ रिटन मटेरियल्स कंपेयर टू स्कोर, और इस पे राइटिंग मटेरियल को महफूज किया करता था। तो मुझे उम्मीद है ये चार फॉर्मेट, टेबलेट्स, पेपायरस, कोडेक्स और पार्चमेंट आपको समझ आएगी आई होगी, और ये पुराने जमाने में जो ना लिखाई के तरीके हुआ करते थे, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में और हत्ता कि पाकिस्तान में भी कहीं कहीं पे अवेलेबल है। पुराने जमाने की मलकूतात बादशाहों के दौर में इन चीज़ों को महफूज किया करते थे। आजकल तो फिर अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस और इनकी बारे में इंशाल्लाह मैं इस पे रोशनी डालूंगा। आपसे दरख्वास्त है वॉच करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से इंसान की जो है ना वो इलम में भी इजाफा हो जाता है और इंसान को सुकून भी मिलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।